दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुख करते हैं। ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जिन जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे MLAs को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया और देखो एक महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ, उनको उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। नहीं तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज बन रही हैं दूसरी सरकारों की, हर चीज़ से महंगाई महंगाई होती जा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं वो वादे पूरे होते हैं। आज तक 75 साल में राजनीति में चुनाव के पहले जितने वादे किए गए कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बाद कहते थे अरे वो तो चुनावी जुमले थे, चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे थोड़ी होते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे पे भरोसा रखना, हम लोगों पे विश्वास रखना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था आज सुबह जब मान साहब ने ऐलान किया कि सारे विरोधी ताली बजाएंगे, मान साहब को बधाई देंगे, कहेंगे कि मान साहब बहुत अच्छा किया, लेकिन सारे विरोधी इतना विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इतना विरोध कर रही हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों विरोध कर रही हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। हम लोग आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। कल हम रहें ना रहें लेकिन ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आगे कोई भी आए लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार उसके बाद ना कर पाए। हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये विपक्षी, ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। पंजाब का जो पहला सबसे बड़ा वायदा था मुफ्त में बिजली देने का, उसका फैसला पंजाब सरकार की ओर से किया गया है और उसी का जिक्र करते हुए यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आए। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है, यानी कि जनता के बीच जो वायदे किए जाते हैं उसको सरकार बनाने के बाद वो पूरा भी करती है। इसी के साथ इस बात का भी जिक्र करते हुए कि विपक्ष नहीं चाहता कि सिस्टम बदले, अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दलों पर हमला बोला है। पंजाब में हमारी सरकार ईमानदार है, हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का काम कर रही है। राजीव, बिल्कुल, तो पूरा सिस्टम हम बदल रहे हैं। पहले कहा गया था पैसा कहां से आएगा, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, हमने वादा किया और उस वादे को निभाया, बिजली फ्री कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी संभव है। दूसरी सरकारें महंगाई 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 कर रहे हैं, हम लोगों की जेब में पैसा बचा रहे हैं।